दोस्तों, रूस यूक्रेन के बीच के जंग का आज करीब 55वां दिन है। कई देशों की मध्यस्थता के बावजूद दोनों देश किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे। रूसी सेना आए दिन और ज्यादा हमलावर होती जा रही है, वहीं यूक्रेनी सेना भी इनका डटकर मुकाबला कर रही है। इसी बीच रूस ने इस बात का दावा किया है कि मारियुपोल शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हालांकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि मारियुपोल में हालात बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी यहां हम रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इस बीच कुछ ऐसा भी हुआ है जिस पर शायद हम में से बहुत कम लोगों को ध्यान गया है। आपको पता है, हमारी सीमा से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ट्रक गए हैं। अब वे क्यों गए हैं और कैसे गए हैं, उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। लेकिन यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस होगा, साथ ही पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलना, क्योंकि एक भारतीय होने के नाते आपको ये बात पता तो जरूर होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दुनिया भर में आज छाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन और रूस की खबरें, लेकिन जंग हथियार और सैनिकों के बीच हमारे भारत ने एक ऐसा काम किया है जिसकी असल मायने में तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि नेपाल हो या पाकिस्तान, भारत ने हर मुश्किल समय में अपने पड़ोसी देशों की मदद की है। रूस यूक्रेन की लड़ाई के बीच भारत ने ऐसा काम किया है जो दिखाता है कि एक मुश्किल घड़ी में सिर्फ और सिर्फ पड़ोसी देश ही साथ देते हैं। ये कारनामा दिखाता है कि भारत में आज भी मानवता जिंदा है। दोस्तों, भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं देने का वादा किया था, और सबसे अच्छी बात यह है कि अपनी बात पर भारत खरा उतरा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं भिजवा दिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये खेप अटारी बाघा बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान पहुंची थी। हमारे भारत के विदेश सचिव हर्ष सिंगला और अफगानिस्तान के एम्बेसिडर फरीद ममून ने इंटरनेशनल जेट पोस्ट से इसे रवाना किया था। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत ने यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ एक समझौते पर साइन किया था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान से भारत को लैंड रूट के जरिए 50,000 टन गेहूं को अनुमति देने को कहा था। जैसे पाकिस्तान ने इस बात की अनुमति दी, वैसे 21 फरवरी को 50 ट्रक गेहूं से लदे अटारी बॉर्डर पर इंटरनेशनल चेकपोस्ट पर आ खड़े हुए। फिर 22 फरवरी को सभी कागजी काम पूरा होने के बाद भारत से ये 50 के 50 ट्रक गेहूं लेकर अफगानिस्तान निकल गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अक्टूबर महीने में भी भारत ने अफगानिस्तान को गेहूं की मदद पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन ये तब संभव हो पाता जब पाकिस्तान इसकी मंजूरी देता। अब क्योंकि जमीन के रास्ते भारत से अफगानिस्तान जाने का रास्ता वाघा बॉर्डर से होते हुए जाता है, लिहाजा ये काम पाकिस्तान सरकार की अनुमति के बिना संभव हो ही नहीं सकता था। खैर, फिलहाल तो गेहूं के अलावा भारत अफगानिस्तान को कोरोना वायरस के टीके भी उपलब्ध कराएगा। वहीं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को गेहूं, आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति और बाकी चीजों के लिए 5 अरब रुपए की मानवीय सहायता तत्काल मुहैया कराने की बात कही थी। आपको भी लग रहा होगा कि भारत चाहता तो अलग रास्ते से भी भेज सकता था, तो फिर जमीनी स्तर से क्यों? तो दोस्तों, इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला था, इसमें खर्चा कम हो रहा था। दूसरा, जमीनी स्तर से ये सारी चीजें बहुत जल्दी अफगानिस्तान पहुंच जाती। साथ ही तीसरा ये कि अफगानिस्तान के लोगों को ये अनाज बांटने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। यही नहीं दोस्तों, इमरान खान की सरकार, ISI और फौज को इस बात की उम्मीद कतई नहीं थी कि भारत इस मदद का फैसला इतनी जल्दी लेगा। अब पाकिस्तान बिना नौटंकी के मानने वालों में से कहां है, क्यों? सही बोल रहे हैं ना? और हुआ भी कुछ ऐसे ही। उसने भारत से एक बार फिर से चालाकी दिखाने की कोशिश की। वो अलग बात है कि भारत तो पाकिस्तान से बहुत आगे ही सोचता है। पाकिस्तान ने भारत के सामने कुछ शर्तें रखी। जानना चाहते हैं शर्त क्या है, तो बन रही है वीडियो के एंड तक। और अगर आप एक सच्चे भारतीय तो वीडियो को बिना कहे लाइक कर देना दोस्तों। खैर, चलिए आपको शर्त के बारे में बताते हैं। शर्त ये थी कि भारत के ट्रक वाघा बॉर्डर पर माल को उतारें और फिर वहां से उन्हें पाकिस्तान के ट्रक में भरा जाए और तब ये ट्रक अफगानिस्तान जाए। यहाँ पर पाकिस्तान चाहता था कि एक तीर से दो वार करना। चलिए आपको बताते कैसे। सबसे पहले ये कि पाकिस्तान चाहता था कि वो जब सहायता सामग्री लेकर जाए तो बीच में उस पर हाथ साफ कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। उनके मन में था कि वो इसको चोरी कर लें। साथ ही दूसरा ये कि इन ट्रक पर पाकिस्तान का झंडा लगे। मतलब यहाँ साफ है कि मेहनत हम करते हैं और अफगानिस्तान में रह रहे लोग ये सोचें कि उनकी मदद और उन्हें भूख से बचाने के लिए मदद भारत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने की है। जाहिर सी बात है, भारत है तो पाकिस्तान का बाप ही है। यही कारण था कि भारत अपनी बात पर अड़ा रहा और गेहूं अगर जाएगा तो भारत के ट्रक में ही जाएगा। भारत के ना मानने पर पाकिस्तान भारत की बात मान ही गया।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन को अपने साथ लाकर पाकिस्तान को एक बार फिर से उसकी औकात याद दिला दी। खैर दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस वक्त ऐसे हैं कि अफगानिस्तान से चीजें पाकिस्तान के रास्ते भारत आ तो सकती है, लेकिन यहाँ से अफगानिस्तान जा नहीं सकती। इसका भी अपना एक इतिहास है। अब माजरा ये है कि अगस्त 2019 में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को पाकिस्तान ने रद्द कर दिया था। भारत में जम्मू और कश्मीर से जुड़ी धारा 370 के कुछ संवैधानिक प्रावधानों को रद्द किए जाने की वजह से पाकिस्तान ने ये अजीबोगरीब फैसला लिया था, और तो और उसने भारत के इस कदम को अवैध करार दिया। अब इससे कुछ महीने पीछे चलकर देखें तो भारत ने भी कुछ ऐसा ही किया था, जिससे पाकिस्तान और भारत के व्यापार को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। बात है साल 2019 की, जब पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से आने वाले सामान पर 200% टैक्स लगा दिया। इसके साथ ही उसने पाकिस्तान का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी रद्द कर दिया था। वैसे आपको पता है कि आखिर ये है क्या? नहीं जानते कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं आखिर ये मोस्ट फेवर्ड नेशन चीज क्या है। दोस्तों, MFN का दर्जा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के टैरिफ और ट्रेड पर जनरल एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही समझौते का एक अहम हिस्सा है। अब इस समझौते पर साइन करने वाले देश एक दूसरे और विश्व व्यापार संगठन के बाकी सदस्य देशों के साथ किसी भी कीमत पर भेदभाव नहीं कर सकते। साथ ही किसी भी देश के आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में अलग अलग टैक्स या टैरिफ नहीं लगा सकते, और भारत ने यही दर्जा पाकिस्तान से छीन लिया और 200% टैक्स लगा दिया। फिर आया मार्च 31, 2021, जब पाकिस्तान ने भारत से इम्पोर्ट होने वाले कॉटन और गन्ने पर से बैन हटाया था, लेकिन बाकी सारी चीजों पर बैन जारी रहा। दरअसल ये कदम पाकिस्तान ने इस वजह से उठाया था क्योंकि पाकिस्तान इन दोनों चीजों पर ही कुछ हद तक भारत पर निर्भर रहता था। अब ऐसे में ये नुकसान पाकिस्तान पर भारी पड़ता, इसलिए उसने कदम पीछे हटा लिए। साथ ही भारत को भी पाकिस्तान से व्यापार बंद होने की वजह से काफी नुकसान हुआ था। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान से भारत आने वाली चीजों से भारत को 3700 करोड़ रुपयों से ज्यादा का फायदा 2018-19 में हुआ था, जो कि 2020-21 में घटकर महज 15 करोड़ पर सिमट गया। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि घाटा कितना रहा होगा। अब इतना कुछ सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी, इतना कुछ होने के बाद पाकिस्तान भारत को इजाजत क्यों देगा? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने प्रतिबंधों के बावजूद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए भारत को इजाजत दे दी? क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम? देखिए, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए जो आपने अभी तक नहीं किया। यहाँ पर माजरा दरअसल ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सहायता के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन सेल यानी कि AICC का गठन किया है। इस कमेटी की एक बैठक का आयोजन करके इमरान खान ने अफगानिस्तान के समर्थन के लिए विशेष कदम उठाया था। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी सामूहिक जिम्मेदारी के बारे में याद दिलाया। अब दिखावे के लिए सही, लेकिन इमरान खान को हाँ भी तो भरनी पड़ी। साथ ही जहाँ भारत और पाकिस्तान के व्यापारिक रिश्तों का सवाल रहा, वो ज्यों के त्यों रहे। मतलब पाकिस्तान से भारत चीजें आ सकती है, लेकिन पाकिस्तान जा नहीं सकती, सिवाय कॉटन और गन्ने के। यही कारण है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच ये मुद्दा काफी ज्यादा अहम रहा। यहाँ पर ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को भारत की बात माननी पड़ी, और अगर वो भी नहीं मानता तो यूनाइटेड नेशन की वजह से उसे बात माननी पड़ती। क्यों, सही बोल रहे हैं ना हम? खैर, आपको क्या लगता है, भारत ने ये जो कदम उठाया वो कैसा था, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पूरा मामला समझ आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी भारतीय होने पर गर्व जरूर महसूस हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में #India जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना। साथ ही ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।